Everybody groove to the everybody jam. Rasoi Family Restaurant. Do the rigga digga ding dong song. A digga ding 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 digga digga ding a digga ding. अजमेर में कृषि मेले की हुई शुरुआत, संसदीय सचिव सुरेश रावत ने किया उद्घाटन. पुष्कर के पासेली में शमशान भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में दिखा गुस्सा, मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर जल्द कार्रवाई का दिया भरोसा. मलंगों और कलंदरों का अजमेर पहुंचना हुआ शुरू, कल निकाला जाएगा बड़ा जुलूस. राजस्थान न्यायिक सेवा के ट्रेनी ऑफिसर्स ने किया अजमेर रेवेन्यू बोर्ड का दौरा, ऑफिसर्स को बोर्ड के कामकाज की दी गई जानकारी. शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है चेटीचंड महोत्सव. चेटीचंड पखवाड़े के सातवें दिन भक्ति रस से सराबोर हुए भक्तजन, तो वहीं सिंधी संगीत समिति ने भी किया सांस्कृतिक संध्या का आयोजन. बाद एक बार फिर स्वागत है आपका स्वामी न्यूज में. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. पूरे शहर में चेटीचंड महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति ने चेटीचंड महोत्सव का सातवां दिन उत्साह के साथ मनाया, तो वहीं सिंधी संगीत समिति की तरफ से आयोजित सांस्कृतिक संध्या में राज्य शिक्षा मंत्री वासुदेव नानी पहुंचे और कार्यक्रम का जमकर आनंद लिया. पूज्य झूलेलाल जयंती समिति के संयोजन में चेटीचंड महापर्व का सातवां दिन श्रद्धा पूर्वक मनाया गया. हलानी दरबार साहिब में आयोजित कार्यक्रम में गीत संगीत के साथ ही संतों के आशीर्वचन प्राप्त हुए. गायक अशोक गाफिल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम व भजन प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया. इस मौके पर झूलेलाल के पंजड़ों पर संयोजक कंवल प्रकाश कृष्णानी के साथ कार्यक्रम में आए सभी लोग झूमते नजर आए. पूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए कार्यक्रम में आए प्रतिष्ठित संत साधुराम जी ने सभी को आशीर्वचन प्रदान किया. जो
साथ ही चेटीचंड के अवसर पर शुक्रवार को ब्यावर रोड स्थित होटल मेट्रो इन में सिंधी संगीत समिति अजमेर के द्वारा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के शिक्षा मंत्री वासुदेव नानी भजनों की धुनों पर जमकर थिरके। इसके साथ ही समाज के सभी लोगों ने कार्यक्रम में उत्साह के साथ हिस्सा लिया। जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण दिन है समाज के लिए, उसकी मैं अपने अजमेर वासियों को और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। यह दिवस सबके जीवन में खुशियाँ भरे, साथ ही जो नववर्ष है, जो वास्तव में कुछ लोग तो 1 जनवरी को मनाते हैं, वास्तव में भारतीय नववर्ष ये इस चेटीचंड वर्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। इस निमित्त में पूरे अजमेर वासियों को प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। यह दिन सबके जीवन में खुशियाँ भरे, आनंद लाए, हम सब लोग मिलजुल करके आपस में सद्भाव से, भाईचारे से हम लोग आपस में जिए और मिल करके यहाँ पे अजमेर में जो कि स्मार्ट सिटी बन रहा है, प्रत्येक व्यक्ति स्मार्ट बने, आगे बढ़े, हंसता कूदता हुआ आनंद ले, ये मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। शहर में अलग अलग जगह धूमधाम से मनाया जा रहा चेटीचंड महोत्सव अजमेर के लोगों की भक्तिपूर्ण भावना को प्रकट कर रहा है। आस्था के मामले में अजमेर शहर पूरे देश में विख्यात है और निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम अजमेर की आध्यात्मिक प्रवृत्ति को नई दिशा देंगे। अजमेर से सचिन कन्नौजिया के साथ पवन अटारिया की रिपोर्ट। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के विषय पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में न केवल अजमेर से बल्कि पूरे देश से प्रतिभागी और विश्व स्तरीय एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें 4 टेक्निकल सेशन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य इस विषय के संबंध में लोगों को जागरूक करना था। इसके साथ ही कार्यक्रम में अलग अलग विचारों पर भी चर्चा की गई। बहुत अच्छा, दुनिया में काफी अच्छी पोजीशन थी, मोटोरोला अमेरिकन ज्यादा टेलीफोन एक्सचेंज बीएसएनएल ने खरीदे वो यूरो अमेरिकन खरीदे, तो सी डॉट को उतनी रेवेन्यू नहीं मिली जिन कम जो कम। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विषय पर एक वर्कशॉप रखी है, जिसमें लगभग पूरे देश से प्रतिभागी आए हैं और विश्व स्तरीय जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको हमने बुलाया है, जो इस विषय पर व्याख्यान देंगे। और इस ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये ऐसे अधिकार हैं जो पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, ऐसे ये जो कानून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक स्थापित करने होते हैं उसके ऊपर है, और भारत में इसकी अवेयरनेस अभी कम है, तो हमें करना होगा। हमारे पास इतनी बौद्धिक संपदा है, लेकिन उसका चूंकि पेटेंटाइजेशन नहीं हो रहा, उसका कहीं पे कोई कॉपीराइट नहीं हो रहा, तो ये जन जन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए ये आयोजन यहाँ पे किया गया है। इस चीज़ का क्या उद्देश्य है सर? इसका उद्देश्य ये है
कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसको बौद्धिक संपदा कह सकते हैं, ये वो क्रिएट करें, जनरेट करें, और न केवल जनरेट करें बल्कि उनको कॉपीराइट करें, उनको पेटेंट करें। उसकी प्रोसेस जो होती है उसके बारे में बहुत विस्तार से हमारे जो भी एक्सपर्ट्स आए हैं उन्होंने यहाँ पे बताया है, और आगे के सेशंस में भी बताएंगे। सर कहाँ कहाँ से आए हैं ये? सर दिल्ली से आए हैं, जिनेवा से आए हैं, उदयपुर के पैसिफिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा, उनका अभी कीनोट एड्रेस था जो इनॉग्रल सेशन में था। हरिसुंदर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को चेटीचंड उत्सव और नववर्ष का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय की छात्राओं ने पूज्य झूलेलाल के भजनों के साथ ही कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नवरात्र के विषय पर भी छात्राओं की प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम के दौरान नवरात्र के विषय पर छात्राओं की प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। चेटीचंड का उत्सव और साथ में जो नया वर्ष शुरू होने जा रहा है, उस संदर्भ में बच्चों ने कार्यक्रम की तैयारी की है। बच्चों ने अलग अलग नृत्य, कविता और अपना संदेश उस रूप में दिया है जिसमें नई जागृति बच्चों में पैदा हो जाए। नवरात्रि की स्थापना के बारे में बच्चों ने भजन वगैरह तैयार किए हैं, उनकी प्रस्तुतियाँ बच्चों को झुमा देती है। नई फसल काटी जाएगी और साथ में एक उत्साह किसानों को रहता है। इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन आज किया जा रहा है। आज कौन कौन सी प्रस्तुति दी गई मैडम? आज झूलेलाल पर माता के भजन, नौ वर्ष के संदर्भ में कविताएं और साथ में संदेश दिया गया है। कौन से स्कूल में बनाया गया ये प्रोग्राम? हरी सुंदर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। इसमें कितने साल के बच्चों ने भाग लिया? इसमें जो है 11 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चों ने भाग लिया। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए स्वामी न्यूज़।